क्या मामला है पूरा, जो कि साथ के ही लोग थे और कितने लोग घायल हैं इसमें, क्या स्थिति? ये आज दिनांक 8 तारीख को दो पक्ष हैं, एक नवी शुक्ला आनंद तिवारी साहब तिवारी और राहुल तिवारी का पक्ष है और दूसरा पक्ष है लक्ष्मण पांडे, राम प्रसाद पांडे और सुभाष सैनी और शुभेंद्र तिवारी दूसरे पक्ष में है। इन दोनों के बीच में जो है प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ विवाद था, क्योंकि मतलब प्रॉपर्टी का एक काम साथ साथ देखते थे, तो ये पांडे राम लक्ष्मण पांडे ये सब उनका शायद सब ब्रोकर थे, तो लेन देन को लेकर के इनका विवाद हुआ है, तो उसी में फायर किए हैं। तो एक राम पांडे को थोड़ा चोट ज़्यादा है और बाकी को जो है कम चोटें हैं, तो इनको यहाँ से रेफर करा दिया गया है सोलग्रामी अस्पताल और इसमें हम गहराई से जांच कर रहे हैं और विधिक कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे और कोई कानून व्यवस्था जिसकी स्थिति नहीं है, हमारे नियंत्रण में हमारा फोर्स मौजूद है और फसलों की बरामदी और जो वाहन उपयोग हैं उसको हम बरामद कर रहे हैं और अभियुक्त जो है और कोई अन्य होगा इन दो पक्षों में लड़ाई हुई है चार चार के अलावा, तो उनको भी हम गिरफ्तार। गोलीबारी में सर कितने टोटल नियंत्रण? चार इस तरफ से और चार दूसरे तरफ से, उसमें राम पांडे को पेट में लगा हुआ है और बाकी को इधर उधर छोटे हैं, तो फिर वो प्रयागराज भेजे गए हैं, ऐसा होगा मैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।